अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कल लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने जो आज ना मैंने अपना हेड वॉश किया था, मतलब हेड्स को वॉश किया था, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ख़राब से हो गए हैं आजकल, और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी को पता हो ना हेयर फॉल कैसे कम हो तो मुझे बता दे, मेरे बालों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मेरे बाल ना अभी ना हो जाए, मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, ऐसा ना हो। अभी आज ही मैंने बहुत अच्छा सा अपना हेयर वॉश किया है, और भी तो मैंने इतने टाइम बाद ऑयलिंग तो मुझे डॉक्टर ने ना करी थी, लेकिन फिर मैंने की थी, और बहुत टाइम बाद ही की थी। उसके बाद मेरी यार देखा था, 2 दिन में चंपू होने हुई थी, तो देखते हैं यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने सिर का क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ते हैं, मेरे हेयर फॉल ऐसे हो रहे हैं जैसे कि किसी ने बाल मेरे काट दिए हो, ऐसा ऐसा हर बार जैसे हाथ ऐसा करो ना तो बाल निकलते हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं करवाती हूँ मम्मी से चोटी अपने बालों में, वरना और ज़्यादा उलझ जाएंगे ना तो फिर और ज़्यादा टूटेंगे। तो चलो जल्दी से हम अपनी चोटी करवाते हैं अपने बाल की, क्योंकि अब सूख चुके हैं मेरे बाल अच्छे से, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो अब कंघा कर सकते हैं इसमें। तो चलो चोटी बनवाते हैं। अरे अब चोटी बन चुकी है, तो अब चलते हैं पार्क वॉक के लिए। तो चलो चलते हैं। सो तो हम आ चुके हैं पार्क में, और इस समय यहाँ पर मौसम बड़ा सही हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है, क्योंकि हम आए हैं मगरिब की अजान के बाहर, क्योंकि फिर अजान होने के बाद ही निकले, नहीं तो फिर पार्क में अजान होती। अब अजान भी हो गई, पापा भी चले गए थे, मेरा भाई भी चला गया था, ये भी मेरी मम्मी। और तो आ रहा था मुझे जाना है, मेरी जो है ना वो आंटी तो है ना यूनिफॉर्म वाली, उन्होंने अभी तक मुझे मेरी पूरी ड्रेस नहीं दी, वाइट वाली शलवार दे दी थी, अभी भी कोटी रहती थी, वाइट ड्रेस के ऊपर कोटी है, उस पर दुपट्टा नहीं है ना, उस पर कोटी है, तो रेड कलर की कोटी अभी तक कंटिन्यू नहीं दी है। तो आज मैं जब आई हूँ तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, कॉल की थी, तो उन्होंने बोला कि 8:30 तक आना, तो अभी इसके बाद जाना है, उनके पास भी जाना है लेने के लिए। तो वाइट कलर फ्लावर सब, थोड़ा थोड़ा बारिश वाला मौसम हो रहा है आज। उस टाइम पर लोग भी कम है अगर पार्क में। मम्मी और मैं इसलिए आए हैं क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, वरना उस टाइम पर हम लोग जब थोड़ी थोड़ी रोशनी होती ना, जितनी ज़्यादा भीड़ होती है ना और उतनी, और जिनका कोई काम नहीं होता ना पार्क में, जैसे कि उल्टे सीधे लगे होते हैं वो भी आए हुए होते हैं, लेकिन उस टाइम पर जिनको काम होता है पार्क में, जैसे वॉक वगैरह करनी होती है, वही लोग होते तभी, और भीड़ भी इस टाइम पर कम होती है, इसलिए हम मम्मी और मैं इस टाइम पर आए हैं। तो और बताए, अभी तो हमारा वॉक कर रही हो, मम्मी भी वॉक ही करेंगी, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों के बाद ना वो भागना स्टार्ट करूँगी पार्क में, मतलब रेसिंग वगैरह कर पाऊँगी, ताकि ज़्यादा हेल्थ पर फर्क पड़े, मुझे थोड़ा वेट लूज भी अपना करना है, और वॉक करना भी अच्छा ही रहता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारा चलने की आदत भी बनी रहती है, नहीं तो फिर ज़्यादा चलो ना तो फिर चलने में परेशानी होती है इस वजह से। तो मम्मी और मैं अब रोज़ आते हैं, और सुबह में तो मेरी वॉक स्कूल में पैदल जाती है, सो जाती है, और शाम में आ जाते हैं हम लोग, और रात में जा नहीं पाते हैं क्योंकि तभी शाम में आते हैं। जो पार्क है ना तो बिल्ली का बच्चा तो छोटा सा दिख गया, छोटा सा, ये तो मम्मी मेरे कपड़ों के पास आ रहा है। में चला गया, इसकी मम्मी काली गई थी। हाँ ये कुछ सूंघ रही है, काले कपड़े पहन रखे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है,
इसको उठा के घर लेके चलते हैं। मुझे देखो कुछ ढूंढ रहा है खाने के लिए। पार्क में यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर मिल चुकी है। आपका नाम क्या है? जोया। जोया रोज देखते हैं मेरे ब्लॉग? यस। अच्छा और बताओ। ब्लॉग मुझे अच्छा लगता है। अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छे-अच्छे बनाती है। मैंने चार ट्रेन वगैरह भी देखी है उसमें। सिलेंट भी हाँ। अच्छा थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा अभी मैं पार्क में ऐसे हम लोग वॉक कर रहे थे मम्मी और मैं, और ये लोग मैं पीछे से आ रहे थे भागते हुए, तो मैं रुकी, कह रही दीदी आप रुको, कि मैं रुकी। उसके बाद ये लोग बताने लगे कि मैं आपको ब्लॉग देखती हूँ, तो मैंने बोला आपको भी ले लेती हूँ ब्लॉग में भी, फिर आप लोग अब भी अपने आप को देखना ब्लॉग में। बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए आई पार्क में मुझे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। देखो यहाँ से कितना सही लग रहा है पार्क, और इतनी भीड़ भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो कितना सही लग रहा है जो पहाड़ सा है ना, उसमें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लग रहा है, ये बहुत मस्त है। चलिए हमें हमारी मिल चुकी है मेरी मम्मी के हाथ में। आ गई थी उसके बाद में पार्क से, और क्या कहते हैं अपना कोटी ले गए और वाइट ड्रेस की, जो कि आज आंटी ने आज फाइनली दे दी है। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट टाइम मेरा भाई और मैं चैलेंज, और वो चैलेंज क्या होने वाला है वो आपको भी आगे पता चल जाएगा, क्योंकि वो आज मैं नहीं बना रही हूँ, जो उन्हें चैलेंज के लिए करना था खाएंगे, जो फूड चैलेंज है। बाकी जो हमारा पसंद है ना वही चीज़ बन रही है, आज मैं नहीं बना रही हूँ, मम्मी बना रही है वो, और मैंने बोला आप ही बना लो, तो आज मम्मी बना के देंगी आज, और मेरा भाई और मैं करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है, और जीतने वाले को आज प्राइज मिलेगा उसके साथ में। मेरा भाई अलग अलग करतब दिखा रहा है अपने उल्टे सीधे कर करके। बाकी अब आप लोग देखते रहो, आज का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा पागल है क्या। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंस्पेक्ट, तू ही कर ले आगे, तुझे ही दिखा दूंगी, अभी तो करके तो दिखा रहा है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, आप लोग देखते रहो, देखते कौन जीतता है, मेरा भाई अब मेरा भाई जीतता है या फिर मैं जीतती हूँ। चैलेंज के लिए बनानी है मम्मी मैक्रोनी प्लस पास्ता, अभी ये बॉइल हो रहा है, इसके बाद मम्मी बनाएंगी, तो देखते हैं आज मम्मी कैसे बनाती है। मम्मी इसको स्टीम के लिए ढक देंगी, मम्मी ने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, और ये रही मैक्रोनी हाइट हो जाए सब्जी पौष्टिक तत्वों से भरपूर। अच्छा बीन्स वगैरह सब डालती है इसमें, बीन्स सब्जियां डालती, सब्जियां खानी नहीं थी ना इसलिए सब्जी मैं मैक्रोनी में डालूंगी। मम्मी का आइडिया देखो, इसमें बीन्स है, कैप्सिकम भी है, और ग्रीन चिली है, पोटैटो नहीं सॉरी टमाटो है, और अनियन है। मम्मी ने मतलब मैक्रोनी के साथ में सब्जियाँ खिलाएंगे वो, हमने ना मम्मी सब्जी बना रही थी तो हमें खानी नहीं थी, और हमने सोचा हमें चैलेंज भी करना था मेरे भाई और मुझे, तो मम्मी चैलेंज के साथ में सब्जी हमें खिला रही है। मेरे भाव पूरा तेल गरम, और ये रही हमारी मैक्रोनी, ये रही हमारी वेजीज, मम्मी ने प्याज, और अब डलेगा इसके अंदर जीरा को भी मम्मी फ्राई कर लेंगे, फ्राई करेंगे। शिमला ब्रश
डाल दिया मम्मी ने। मम्मी से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। टेस्ट के अनुसार नमक थोड़ा सा। अभी मम्मी ने इसके अंदर टमाटर नहीं डाला है, टमाटर तो अब डालेंगे मम्मी। टमाटर और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल। दूसरी प्लेट होगी खाली, सब कुछ इसके अंदर डाल चुका है। अब मम्मी के अंदर कुछ नया भी डालने वाली है। इसका टेस्ट और रिच करने के लिए मैंगो पेस्ट, कच्चे आम का पेस्ट। इसको भी मम्मी ने मिक्स कर दिया है। वाला बिरयानी वाला, ये तो बहुत यूनिक होने वाली है मैकरोनी आज की, बिकॉज ये बनेगी हमारी चैलेंज के लिए। मैकरोनी भी डल चुकी है मम्मी, अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फिर ये चैलेंज के लिए हमारे लिए सर्व हो जाएगा। हमारी मैकरोनी आने वाली है और देखते हैं कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है मैं जीतूंगी मैकरोनी में, है वो? तुझे क्या लगता है? हमारे दोनों कैंडिडेट हैं, मैं और मेरा भाई यहाँ पर बैठ चुके हैं। तुझे क्या लगता है, तू जीतेगा? जी मैं जीतूंगी बेटी। देखते हैं मैं जीतती हूँ या ये जीतता है। बाकी मैं जीतने की पूरी कोशिश करूँगी, गिफ्ट मुझे चाहिए। अरे अभी ये पास्ता भी आ चुका, पास्ता प्लस मैकरोनी, ये रहा मेरे भाई का। और देखो दोनों बराबर ही हैं। और साथ में ये रही हमारी ड्रिंक, और इसको अब शुरू करते हैं। ये चीटिंग कर रहा है। ओए ओए रख 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 रख, अब पापा देखो चीटिंग कर। अरे जा, मम्मी से बोलेंगे 1 2 3 तब स्टार्ट करना है। 1 2 3 स्टार्ट करो। हेलो मैं जल्दी मत खाइयो, जो जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे। देखो कौन खाएगा पहले, किसकी फिनिश होगी प्लेट। दोनों की प्लेटों में इतना इतना फिनिश किया है उन्होंने।
बाबू सर तो ऊपर करो, ये क्या बात हुई, गुरुकुली प्लेट में थोड़ा घुसते हैं। उसको जल्दी खाने के चक्कर में कर रहा है वो। ये तो सोच रहा लेट ही जाऊं मैं प्लेट पे। छुपा ले छुपा ले, थोड़ा शर्ट पे छुपा ले, टी शर्ट में छुपा ले, ये अंदर डालना है क्या? ये गलत चीटिंग है, चीटिंग है ये, इसको जीत नहीं बोलेंगे, उसी से उसी से नहीं नहीं, ये चीटिंग है, चीटिंग है ये, सिखाओ ये कौन सा, ये देखो तरीका, देखो कौन सा यूज करा तुम बाबू। स्टॉप स्टॉप, मम्मी कहीं चीटिंग कर रही है। नहीं चीटिंग, हाँ हाँ तुमने यूज किया है, चीटिंग तुम कर रहे हो। ये तो चीटिंग हुई है, चीटिंग थोड़ी ना होती है गेम में। भाई मेरे भाई ने चीटिंग करी है, आप लोग ही बताना कौन जीता है। हम मेरे को देंगे पापा 500 रुपए। अच्छा हारने वाले को कुछ नहीं मिलता है, चीटिंग करने वाले को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मेरे साथ में ना अन्याय होने जा रहा है, क्योंकि जीती मैं हूँ लेकिन फिर भी प्राइज इसको मिल रहा है, क्योंकि मुझसे छोटा है। ये आपके साथ में भी होता हो ना तो मुझे ज़रूर बताना है, ये मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है, ये हार गया है वो भी चीटिंग के साथ में, और इसको प्राइज इससे मिल रहा है। ठीक है, आपने देखा मेरे साथ में पूरा अन्याय हो चुका है, गेम में भी मेरे भाई ने चीटिंग करी और फिर भी उसको प्राइज मिल गया, मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं उससे मिला मेरे को मिला, एक ही बराबर है, क्योंकि जो भी बोले क्या आएगा उसमें चार ही चीज़ तो मैं ही कहूँगी। चलो आज का ब्लॉग बस इतना ही, आपसे मिलते हो कल, बाय बाय।